वेलकम बैक नाज़रीन, वापसी हमारी हो चुकी और जैसे कि हमने आपको सुबह में ही ब्रीफ कर दिया था कि सेकंड आवर आज हम बात करेंगे और बल्कि आप सबको भी मौका देंगे, कोई भी ताज़ियत करना चाहे, कंडोलेंस करना चाहे अपनी फैमिली की जानिब से, फौजिया वहाब साहिबा के हवाले से, चाहे पार्टी के मेंबर्स हों उनसे करना चाहे या उनके फैमिली मेंबर्स से करना चाहे, तो यू आर मोर देन वेलकम। आप कॉल कर सकते हैं, उनके लिए बात कर सकते हैं, उनके लिए दुआ कर सकते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं ऑब्वियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, जो आपने देखा भी जितनी हिस्ट्री है, जितना कुछ है उनकी शमूलियत रही, काम उन्होंने बेपना किया, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं आप सबकी, हम सबकी शर्मिला फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम शर्मिला, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, और साथ में क्योंकि ये बात भी हम पहले कह चुके हैं, और जितने भी ऑपोजिशन हो या जितने भी हमारे आपस में ऑपोजिशन, में वो वाली ऑपोजिशन की बात नहीं करी, वो जो आपस में एक तकरार होती है किसी भी लेवल पर हो, पर्सनल लेवल पर हो, आपके प्रोफेशन में हो, किसी भी बुनियाद पे हो, वो उस वक्त तक रहती है जब तक हम सबके घरों में, हम सबकी तबीयतों में सब कुछ ठीक ठाक है, खुशहाल है, तब तक रहती है। लेकिन जब भी कोई सामने वाला बीमार होता है, मुसीबत में होता है, या इस तरह की खबर आप सुनते हैं, तो हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू होता है और हर किसी का एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं जो वो शेयर करना चाहते हैं, जो आप सुन रहे हैं। कल से मुख्तलिफ पार्टीज से भी, उनके रिप्रेजेंटेटिव से भी कंडोलेंस मैसेजेस आ रहे हैं, और आज हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनरल सेक्रेटरी एएनपी सेन बशीर जान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप बशीर जान साहब? ठीक ठाक है। और आपने देखा है कि हमेशा हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एएनपी का जब मौकफ ले रहे होते हैं, वो कि आज जरा टॉपिक डिफरेंट है और गमगीन कर देने वाला है, तो वहाँ एमक्यूएम भी साथ होती है। तो बिल्कुल एमक्यूएम के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ कुछ ही देर बाद रजा हारून साहब को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जॉन डबे हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन बात का आगाज शर्मिला साहब से करेंगे। शर्मिला, इस सिनेरियो में दिल में बहुत कुछ होता है, मगर जब आप अल्फाज ढूंढने लगते हैं या टटोलने लगते हैं तो कुछ नहीं होता। आई नो इट्स बिल्कुल नुसरत, ऐसे मौकों पे जाहिर बात है कि अल्फाज जो आपके जज्बात होते हैं उसकी तर्जुमानी नहीं कर सकते। लेकिन मैं, जिस तरह आपने अभी बशीर जान साहब और कोलिशन हमारे पार्टनर भी हैं बताया, अपोजिशन की भी बात करी, फौजी वहाब साहब एक ऐसी शख्सियत थी कि हर कोई उनको पसंद करता था, एंड अक्रॉस द बोर्ड शी वॉज लव्ड एंड शी वॉज लाइक, बिकॉज एक तो बड़ी बेबाक थी और शी हैड ऑनेस्टी इन हर, सच्ची औरत थी, मेहनत करके यहाँ तक पहुँची। सबसे अहम चीज ये है कि जो लोग मेहनत करके जद्दोजहद करके एक मकाम तक पहुँचते हैं उनकी अपनी एक खास पजीराई होती है, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जाती जिंदगी में भी स्ट्रगल किया, उनके हस्बैंड की डेथ हुई है, मुझे याद है वो, क्योंकि मेरी वालदा की वो बहुत करीबी दोस्त रही है पिछले 20-25 साल से। तो जब उनके पहले हस्बैंड की डेथ हुई तो 40 दिन बाद उन्होंने जॉब शुरू कर दी और बच्चों को पाला उन्होंने, शी बॉट हर पर चिल्ड्रन, स्टूडेंट लाइफ से ही वो, यू नो, शी वाज एक्टिव इन पॉलिटिक्स। उसके बाद फिर उनकी जब वहाब सिद्दीकी साहब से शादी हुई, ही वाज अ जर्नलिस्ट, उसके बाद उनका इंतकाल हुआ, हाल हुआ, फिर उन्होंने स्ट्रगल शुरू करी, फिर बीबी साहिबा से उनकी मुलाकात हुई और बीबी साहिबा ने उनको सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बनाया पीपल्स पार्टी वुमेन्स विंग सेन, जो आई होल्ड दैट पोजीशन नाउ। तो वहां से वो शुरू हुई, फिर उसके बाद 2002 में एमएनए बनी, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पार्टी की बनी। और आपने देखा होगा नुसरत के हमेशा पार्टी की पॉलिसीज और पार्टी के दिफा को जब वो टीवी पे आके पोर्ट्रे करती थी जी, तो बड़ी कन्विक्शन के साथ करती थी, और अक्सर हम कहते थे कि जी अब फौजे वहाब साहब आ गई हैं, अब जनाब अब मामला ठीक है। नहीं, और वैसे भी उनका स्टाइल ऐसा था गुफ्तगू करने का, नॉर्मल जिंदगी में इतना हिट करती थी, बिल्कुल उनके हवाले से कितनी ही पैरोडीज भी हुई, कितनी चीजें हुई, लोगों के लिए एक वो फेवरेट पर्सनैलिटी थी ना, कि जिनके बारे में अगर बात करनी है सीरियस नौयत की भी तो भी उनका स्टांस जरूरी है, लेकिन अगर थोड़ा मिजा का आंसर कहीं आ रहा है तो उस वक्त भी आप देखते थे कि वो She was always there. It's a very few people know that she had a very good sense of humor. हाँ, बिल्कुल। और अक्सर हम जब पार्टी की मीटिंग होती थी और खास तौर पर इंफॉर्मेशन के हवाले से तो हम बैठे होते थे तो बड़ी वो मजेदार बातें करती थी। बहुत, और बहुत हंसी अपनी रोक रोक के। और जी, यू नो, मुझे याद है कि एक जो मुझे बड़ा दिल को लगा, चंद माह कबल पहले की बात है, 6-7 महीने पहले की बात है, कि वो हमारी एक इंफॉर्मेशन के हवाले से एक मीटिंग थी, तो वहां पर आए तो उन्होंने एक नया पर्स लिया हुआ था
तो जैसे वो आके बैठी तो वो उन्होंने बताया कि देखो मेरे बेटे ने मुझे बर्थडे पे दिया है। जैसे एक बच्चा नहीं होता जो बड़ा खुश होता है और बड़े फखर से बताता है कि तो शी वाज सो हैप्पी, शी देखो मुझे दुबई से उसने भेजा है और मुझे ये दिया है एंड शी वाज सो हैप्पी ऑन दिस। और मेरी जो मेमोरीज उनके साथ रही हैं नुसरत, वो हमेशा एक चीज मुझे कहती थी, कभी डांटती भी थी, कभी डांटने का अंदाज ही होता था कि जोर से कह देना उनका ऐसे मत करो भाई, तुम ये करा करो, ये ना कहा करो, ये कहा करो। और मैंने बड़ी उनके साथ बैठी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेज उन्होंने की तो मैं साथ बैठती थी और हमेशा गाइड करती थी, शी वुड टेल मी होमवर्क करके आया करो, होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए। अच्छा, आपकी जो पर्सनल उनसे मुलाकातें थी उसकी जानिब हम आएंगे, लेकिन पहले बशीर जान साहब से भी हम उनका स्टांस लेना चाहेंगे, उनके कमेंट्स लेना चाहेंगे। जी बशीर साहब, देखें सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से उनके गम में जो है हम बराबर के शरीक हैं, पार्टी के लोगों के साथ और उनके घर वालों के साथ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, सियासत में तो बहुत सारे लोग होते हैं, MNA भी होते हैं, MPA भी होते हैं, लेकिन हर किसी की इस मकाम तक पहुंचने की वजूहत होती है। इसमें सियासत में हम यकीनन उन लोगों को काबिल एहतराम समझते हैं या ज्यादा रिस्पेक्टेबल समझते हैं या उनकी ज्यादा कदर करते हैं जो अपने बलबूते पे अपने जदोजहद के नतीजे में इस मकाम पर पहुंचे हुए होते हैं। तो पोजे वहाब साहिबा जो थी वो यकीनन एक बासलाहियत टैलेंटेड खातून थी और वो अपने जदोजहद के नतीजे में इस मकाम पर आई थी। और मैं आपको एक बात बताऊं कि वो एक सच्ची खातून थी, मकसद हम तीनों कोएलिशन पार्टनर है। अच्छा, आज आपको रुकना पड़ जाएगा, जो आपने तीनों कोएलिशन पार्टनर्स की बात की और अभी हमने टीजर दे दिया था कि रजा हारून साहब ऑन द वे हैं और अब फाइनली हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनको वेलकम कहते हैं फॉर्मली। अस्सलाम वालेकुम रजा साहब, खैरियत से आप? तो कभी कभी जब हम आपस में बैठ कर मकसद होता है ये, कभी कभी हम आपस में बैठ कर एक की फेवर करते हैं, एक की मुखालफत करते हैं, तो उनमें ये क्वालिटी थी कि वो किसी भी मौके पर गैर उसूली अमन से काम नहीं लेती थी और वो हर मौके पर पार्टी पॉलिसी को फॉलो करती थी। सही। तो मैं समझता हूँ वो एक बासलाहियत, एक बावकार खातून थी। मेरी आखिरी मुलाकात सेनेट का जो वोट हुआ उसके बाद जब वो कराची एयरपोर्ट पर आई तो जिस तरह शर्मिला ने कहा उनका बेटा उनका इंतजार कर रहा था और मेरे ख्याल में उनके यहाँ कोई तकरीब वगैरह थी क्योंकि वो बहुत जल्दी में थी और बहुत जल्दी निकली, लेकिन पहले तो उनके बेटे की शादी कुछ हुई है। लेकिन वो उनका इंतजार था तो मैं उसके बावजूद भी रुकी, बेटा जो कह रहा था अम्मा जल्दी करो, वो कह रही थी नहीं इनसे बात करने दो, और वो जल्दी जल्दी इसी तरह भागती हुई जो है कार की तरफ, जैसे घर में कोई तकरीब की देर हो चुकी थी। तो बहरहाल मैं यही समझता हूँ कि वो एक मुकम्मल सियासी खातून, बावकार खातून थी और कभी भी वो पार्टी पॉलिसी के खिलाफ या वो जिसको हम कहते हैं मुनाफिकत से काम नहीं लेती थी। यानी हम कभी कभी मजाकन भी वो करते हैं, मतलब वो हमारे दिल में नहीं होता लेकिन हम चलो थोड़ा सा दूसरे का, लेकिन वो कभी भी ये काम नहीं करती, हमेशा वो अपनी बात करती थी चाहे कोई खुश हो या ना खुश हो, लेकिन जो पार्टी पॉलिसी होती थी वो उस पर कायम रहती। अच्छा, रजा साहब को तो हम देख रहे थे और कल से आप कल सुबह से ही हॉस्पिटल में मौजूद थे। हाँ जी रजा साहब, आई नो इट्स डिफिकल्ट बट स्टिल। तो उनसे उसी दिन से रबते मिला जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, मुश्किल वक्तों में जाते रहे। परसों रात को जब न्यूज आई उनके साहबजादे की जानिब से अपील आई तो मुझे बड़ी फिक्र हुई, पूरी पार्टी में सबको फिक्र हुई कि अचानक न्यूज आई है। हम तो समझ रहे थे जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो यही थी कि शायद हालात और तबीयत बेहतर हो रही है। जी। तो बहुत तशवीश हुई, फौरी रब्ता किया, गए मुलाकात की, फिर इन टच रहे। फिर सुबह भी मैं गया था, सुबह जब उनके साहबजादे से मेरी मुलाकात हुई, अलग सुबह थी बहुत, तो मुझे भी थोड़ी सी कैफियत ठीक नहीं लगी, बड़ी अफसरदगी का मेरा दोस्ती उससे शुरू हो गया था कि इतनी प्यारी खातून है। मैं बहुत ईमानदारी से बात कर रहा हूँ कि आज के दिन बहुत बहुत दुखी है दिल। मैं अल्ताफ भाई की जानिब से, MKM की जानिब से, हमारे तमाम कारकुनान की जानिब से, लवाकीन के साथ, खासतौर पर उनके साथियों के साथ, उनकी औलाद के साथ, उनके तमाम करीबी शहरों के साथ मैं दिली ताजियत का इजहार करना चाहता हूँ। पूरी कौम आज यकीन माने के बाद शख्सियत ऐसी होती है कि पूरी कौम जो है उनके लिए दुखी हो जाती है, इसलिए कि अगर आप फौजे वाब साहब की क्लिप्स देखें और आप उनको महफिलों में देखें, उनसे मिले, मुलाकात करें, तो मुस्कुराहट के अलावा उनके चेहरे पर मैंने भी एक बड़ी मखसूस किस्म की मुस्कुराहट थी जिसमें उनकी आंखें भी साफ उनकी होती थी और वो इसी तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। और बड़े मुश्किल वक्त आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे,
और जिस तरीके से वो एंकर के सामने आके बैठती थी और सामने वाले एंकर को लाजवाब करती थी, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में जो कटखाट वाले लीडर हैं उनमें अगर आप ये कहें कि चंद वो लीडर हैं जो कि पॉलिटिशियंस होने के साथ साथ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर रखते थे और रखते थे का भी कहते हैं उनके लिए बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, बट फौजिया और मैं अगर प्रोग्रामों में उनके साथ बैठा हूँ नोकझोंक भी हुई है तो वो ब्रेक के दौरान ऐसा बड़ी बहन की तरह डांटती थी क्या कर रहे हो रजा, उनका मखसूस था रजा क्या बड़ी जोर से बोले आज बड़ा तुम ये बोलो ये भी करो ये पढ़ा करो ये कॉलम देखा करो ये चीजें देखा करो। तो वो मैं समझता हूँ कि उन चंद पाकिस्तान में चंद ही ऐसे सियासी लीडरान रहनुमा है, बड़े दिल से बात कर रहा हूँ इंडिविजुअल बात कर रहा हूँ नहीं ये मैं इसलिए भी कह सकती हूँ कि आप दिल से बात कर रहे हैं क्योंकि यस्टरडे जब हमने उनसे बात की कि आप हमारे शो में आई है तो पहली लाइन रजा साहब की यही थी कि शी वॉज माई सिस्टर अलाइक और मेरे लिए बड़ा बड़े दुख की बात है। तो ये बात हम कह सकते हैं मैं बस ये पाकिस्तान की इस सियासत में जो आजकल की सियासत है जो सियासी रहनुमा है आप यकीन माने कि अगर चंद सियासतदान या रहनुमा या अच्छे डिबेटर्स को आप उठाएं और कह सकें इनको सब पसंद करें जी। ऐसा नहीं मिलेगा आपको हाँ जी। बहुत कम आप लिस्ट बनाएंगे आप चार पांच आगे बढ़ नहीं पाएंगे उनमें से एक फौजी अवाब साहब का नाम था। मैं नहीं समझता किसी भी सियासी जमात के किसी भी रहनुमा को बुला लें किसी कारकुन को बुला लें किसी भी मकतबा से घर के शख्स को बुला लें फौजी अवाब साहबा के लिए वो मैं नहीं समझता कि वो गलत बात करेगा। नहीं यार बहुत लोग दुखी है वाकई ऐसे आपको आम दिनों में इतना अंदाजा नहीं हो रहा होता। आप लोगों की तो मुलाकात हो रही है या पॉलिटिकल लेवल पर या पार्टी लेवल पर या वैसे भी पर्सनल मुलाकात आप लोगों की क्योंकि एक जैसा मोर और लेस काम है तो ज्यादा अफिलिएशन भी उस हवाले से होती है ज्यादा बातें भी सुनने को मिलती है। लेकिन अगर मैं आवाम के लेवल पर बात करूं तो मुझे ये देखकर हैरत भी हुई कि इतने ज्यादा लोग गमगीन हुए क्योंकि वैसे घरों में कहां इतनी बात होती है किसी एक पर्सनालिटी को आप फोकस करें आप पार्टीज की यूजुअली बात करते हैं या कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उस वक्त तक आप किसी की बात करते हैं। लेकिन जब जैसे ही ये खबर सुनने में आई है तो घर में जो अफराद मौजूद होते हैं या वैसे लोग एक अफसोस की फीलिंग सबको थी यही करेंगे शर्मिंदा भाई कि उनका कोई स्टाइल वही था जो टीवी पर था वही नॉर्मल जिंदगी में वो कुछ बिल्कुल ऐसे यहाँ बनीने वाले दिन भी दूर से आवाज लगा के बुला रही है बच्चे दूर सभी बाजी बाजी करते थे बड़ी बहन बड़ी आपा की तरह ट्रीट करते थे वो अपने आप को कंपोज भी ऐसे रखती है प्रेजेंट भी ऐसे ही करती है कि बड़ी बहन भी हूँ लेकिन मुझसे मजाक भी करो मुझसे दोस्त भी हूँ तुम्हारी मैं तुम्हारी उस्ताद भी हूँ और हम कुलीग भी हैं और उसी माहौल में जो है वो पता नहीं अल्लाह ताला क्या मंजूर नहीं बहुत बहुत उनके साथ दो दफा मुलाकात हुई है हमारे शो में और वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ऑन रिकॉर्ड या ऑफ द रिकॉर्ड दोनों वक्त उनकी वही हंसी और उसी तरह ही बातें बताना वाक्य बताना और इंजॉय करना और वो उनकी आवाज भी वैसे वो खनक थी ना उनकी आवाज में भी जब वो बोलती थी तो वो एक खनकती हुई आवाज थी उनकी तो उसमें वो जब कोई हमें तो हमने तो क्योंकि दोनों दफा जो उनसे मुलाकात की तो हमने पॉलिटिकल एंगल बिल्कुल निकाल दिया और हमने सिर्फ उनको फोकस किया था और हुआ तो हम जरूर कुछ क्लिप्स भी कोशिश करेंगे आपको दिखाएं। वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ डिफरेंट वो बिल्कुल इवन इन हर पर्सनल लाइफ अपने जिनसे वो मोहब्बत करती थी जिनसे वो उनकी रिश्ते थे मुलाकातें थी उनसे वो वैसी थी और शी वाज वेरी रोबस्ट बड़ी एनर्जेटिक और फलां जिस तरह रजा भाई भी बता रहे हैं उनके बेटे का वलीमा था और मुझे याद है कि वो स्टेज पर थी वो इतनी खुशी से सबको बुला के मिलवा रही थी कि ये बेटे के ससुराली हैं और ये हैं शी वाज वेरी हैप्पी और एक वो मेमोरी जो इतनी खुश थी और यू नो उनकी आंखें दे स्टूडेंट वो जो एक चमक होती आंखों में और वो जब अंदर से खुश होती थी तो शी वाज वेरी वेरी हैप्पी। और फिर एक दूसरी मेमोरी जो उसके बाद मैंने देखी मैंने उनको हॉस्पिटल में एक हफ्ता पहले देखा। अच्छा यहीं से शर्मिला आते हैं क्योंकि मैं आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहती। हमारे साथ खालिद साहब बहुत देर से होल्ड पर हैं इस्लामाबाद से कॉल है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी खालिद साहब। बस ठीक जी बहुत ही अफसोस हुआ इनकी फौजिया वहाब की मौत का सुन के और मैं जब एक बात करूंगा तो आई एम नॉट अ पॉलिटिकल पर्सन आई एम अ गवर्नमेंट सर्वेंट और आई एम अ वेरी रिलीजियसली न्यूट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट
तो मैं कुछ बातें हैं जो कि मेरा उनसे इंटरेक्शन हुआ, जो कि मैं आपकी वसातत से बताना चाहता हूँ। जब ये लास्ट असेंबली में मेंबर थी जी, तो अमूमन ये होता है कि जो अपोजिशन के मेंबर्स होते हैं वो जब गवर्नमेंट के एहलकारों को देखते हैं ड्यूटी पर तो बड़े फ्यूरियस हो जाते हैं और बड़ा उनका एक जो है कभी कई खवातीन चूड़ियां फेंकती हैं, कुछ होता है उस किस्म का वो एटीट्यूड होता है। तो ये जब भी ये देखती थी तो अक्सर ये फिर मेरे पास आती थी और उनके एक ऐसा वो बहन का और एक शफकत वाला और वो होता था बिहेवियर, और वो कहती है आप इतनी देर से ड्यूटी कर रहे हैं, आप थक गए होंगे, आप आराम किस वक्त करेंगे। यकीन माने कि उस वक्त अपनी बहन और माँ जो है वो इंसान को याद आती थी। कभी एयरपोर्ट से मुलाकात हो तो मुझे कहती है कि आप इंसान है जिन, आप रात को देखो इधर खड़े होते हैं, उधर देखो उधर खड़े होते हैं। फिर कोइंसिडेंटली आई वाज इन पोस्टेड टू क्वेटा और ये क्वेटा किसी उससे आई तो उधर एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई तो कहती है कमाल है, जिधर भी आप होते हैं उधर हर जगह आप मौजूद हैं, जिधर प्रॉब्लम होता है यू आर देयर। और शी स्टार्टेड प्रेइंग, और उन दिनों में क्वेटा के हालात भी खराब थे तो जो उनकी दुआएं थी वो मेरे ख्याल में अगर एक मेरी सगी माँ या बहन होती तो वो भी उस दर्द से वो दुआ नहीं करती जो दर्द उनके चेहरे पर था, और वो मैं वो दर्द भूल नहीं सकता। फिर एक दम ऐसा हुआ कि मैं मेरे एक कजन की शादी थी, आई वेंट टू कराची, तो मेरी बेटी ने इस्लामाबाद से आना था तो मैंने एयरपोर्ट पे अपने जो स्टाफ था उनको कहा बिठा देना, तो उन्होंने वहां से मुझे रिंग किया कि सर हमने बिठा दिया है, और वो सर फौजिया वहाब साहब आ रही थी उनके साथ बिठा दिया। मैंने कहा भाई मरवा दिया तुम लोगों ने, उनके साथ किधर बिठा दिया वो। तो खैर जब मैं अंदर अंदर लेने आती हुई आपकी तो उनसे सारी को इंसिडेंटली हालांकि आई हैव नो रिलेशन टू हर, आई डिडंट न्यू हर, आई वाज जस्ट लाइक अ थाउजेंड अदर पीपल मूविंग अराउंड इन द सिटी। लेकिन मैं बताऊं कि वो इतनी पर्टिकुलर थी कि एक आम इंसान के लिए भी। तो जब मैं कराची एयरपोर्ट पे लेने गया और जब मैंने तो वो बेटी मेरी उनके साथ आ रही थी तो वो कहने लगी इन आंटी ने मेरा इतना ख्याल रखा ये। मैंने कहा बेटा ये आंटी जो है ये बड़ी बिजी आंटी है और तुमने बड़ा इनको तंग किया ये वो। तो उन्होंने कहा अच्छा ये भी आपकी बेटी है। मैंने कहा हाँ। तो कह रही बड़ी अच्छी बेटी है आपकी। चंद दिन गुजरे वैसे ही अभी उनके फौत होने से कुछ अर्सा पहले की बात। तो एक दिन मेरा एक कजन है उसकी ये क्लास फेलो है, फर्स्ट कजन की, आई डिडंट न्यू दैट। तो एक दिन ऐसी जिक्र हुआ तो उसने कहा वो तो मेरी क्लास फेलो है। तो एक दिन एयरपोर्ट में मुलाकात हुई तो मैंने कहा जी वो मेरा कजन है। तो मैंने समझा नॉर्मली जो बड़े लोग होते हैं पॉलिटिशियन वीडियो पॉलिटी उनका ही होता है कि वो पहचानने से साफ इनकार कर देते, अच्छा जी पता नहीं मिले होंगे। बट शी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज और उसने कहा कि आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप उनके कजन है। इतना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है कि आप जैसे आपने खुद बताया कि कोई रिलेशनशिप नहीं था लेकिन उसके बावजूद इतनी दफा मुलाकात हुई और इतनी स्वीट मेमोरीज उससे अटैच्ड है। थैंक यू सो मच खालिद साहब। बिकॉज ऑफ माय आखिरी बात करूंगा कि बिकॉज ऑफ हम तो सर्वेंट्स हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, बेशुमार पॉलिटिशियंस हैं हमारे पाले पड़े, बेशुमार को हम जानते हैं, बेशुमार हमारे बहनों की तरह है। बट उनके अंदर जो एक दर्द और उनके अंदर जो एक सिंसियरिटी थी और एक मोहब्बत, एक बंदे को ड्यूटी पे देख के पाकिस्तान के लिए जो उनके लिए दर्द था That was remarkable. अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। और ये कहते हुए भी हमें यकीन नहीं आता कि वो जा चुकी है। और मेरा वो जो कजन है, मेरी पुपी वगैरह, वो सब उनके घर में कल से खाना नहीं खाता। सब लोग ही जाहिर है ये एक दुख की बात है, सबको फीलिंग हो रही है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खालिद साहब जी। शर्मिला जहाँ से हमने इंटरप्ट किया था, कुछ हॉस्पिटल के हवाले से बता रही हैं, मतलब जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं है उनका भी कभी ना कभी अगर इंटरेक्शन हुआ है तो दे हैव ओनली गुड थिंग्स टू से अबाउट हर। Because she was a good person. और जाहिरी बात है कि इंतकाल के बाद अल्लाह ताला जिसको इज्जत देता है जाहिरी बात है कि वो क्वालिटी उसमें होती हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से और इंसानों की तरफ से पज़ीराई मिलती है। लेकिन नुसरत शी वॉज अ फाइटर और हर मौके पे जब भी पार्टी को दिफा की जरूरत पड़ी या पार्टी क्राइसिस के अंदर आए या हुकूमत के ऊपर कोई क्राइसिस आया वो बड़े दबंग तरीके से पार्टी को डिफेंड करती आई हैं। और कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि जिस तरीके से फोर फ्रंट पे वो आके उन्होंने पार्टी को डिफेंड किया, मतलब शी वाज अनडेटर्ड। और मतलब अगर आप खवातीन देखें अक्रॉस द बोर्ड किसी भी जमात के तो चंद खवातीन हैं जो इतनी बेबाक तरीके से आके वो डिफेंड कर सकें पार्टी को। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, नुसरत लास्ट वीक जब मेरी उनसे मुलाकात हुई शी वाज इन द आईसीयू और आप यकीन करिए कि उनके यहाँ पर रेस्पिरेटर लगा हुआ था, शी कुडंट टॉक, वो बात नहीं कर सक रही थी। प्राइम मिनिस्टर साहब थे और सीएम सिंध साथ थे और मैं उनके साथ गई थी और शी वॉज वाइड अवेक, उनकी नाक में भी नाली लगी हुई थी और प्राइम मिनिस्टर
जो बात उनसे कर रहे थे वो समझ रही थी, उसको रिस्पॉन्ड कर रही थी। अपने लबों से वो बता रही थी कि बहन है, क्योंकि उनकी बहन खड़ी थी, बेटा है, कि दोनों हाथ थे बस स्वोलन और उनमें कैनुलाज लगे हुए थे। और डॉक्टर जो था वहां पर वो बता रहा था प्राइम मिनिस्टर साहब को कि यू नो शी इज अ फाइटर एंड शी इज क्रॉस द डिफिकल्ट स्टेज, अब शी इज आउट ऑफ डेंजर। और आप यकीन करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब और सीएम साहब उनके राइट हैंड साइड पे खड़े थे, आई वाज स्टैंडिंग ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और उनका जो हाथ था तो मैंने उनके हाथ पे अपना हाथ रखा, तो शी ट्राई टू क्लच इट, पकड़ने की कोशिश करते हैं ना। और जब डॉक्टर उन बता रहा था ना कि जी शी इज आउट ऑफ डेंजर और बहुत जल्दी घर चली जाएंगी, तो शी वाज लाइंग डाउन लाइक दिस एंड शी वाज देयर एंड शी वाज लाइक समथिंग, यू नो वो कहते हैं ना अल्लाह ताला की तरफ से एक वो होता है इंसान को। और उसके बाद यू नो शी वाज जस्ट स्पेंट क्वाइट एंड शी जस्ट स्टार्टेड लुकिंग एट, बार बार मुझे देखती थी, बार बार पीएम साहब को देखती थी, और वो एक वो था। एंड देन मुझे याद है कि इस तरह देखे, बिकॉज मैंने उनको हमेशा इतने फुल ऑफ लाइफ देखा है, लड़ते झगड़ते डिफेंड करते देखा, मुझसे नहीं देखा गया। एंड यू नो व्हेन शी लुक्ड एट मी आई लुक्ड एट हर एंड उनकी होता है ना आग भराने वाली बात होती है, तो मैंने कहा अगर मैं और खड़ी रही यहाँ पर तो मैं रो पड़ूंगी। और ये मैं थोड़ी सी बात हजरत साहब से भी करूंगी हॉस्पिटल के हवाले से, लेकिन उससे पहले एक क्लिप का मैं जिक्र कर रही थी हमारे शो में जब वो आई, और उस वक्त का एक क्लिप हम आपको दिखाते हैं। जब वो यहाँ से एंटर होती थी और जब भी कहीं कॉरिडोर में कहीं भी हमारी मुलाकात उनसे हुई, मुझसे जब मिल रही है जिस शो के लिए, तो एंटर होती कहती थी नुसरत आपी अस्सलाम वालेकुम, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। क्योंकि ये चीज वो मुझे ऑफ द रिकॉर्ड भी ऑन एयर भी एक दफा उन्होंने बोला था, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उनका यही था कि नुसरत आपी, और वही पूरी लाइन ना साथ में करके, और सबके लिए उन्होंने कुछ ना कुछ फिक्स किया हुआ था। और बाकी वो याद करो तो सिर्फ स्माइल आती है आपके चेहरे पे। ये आप क्लिप्स देखिए, इससे आपको और ज्यादा अंदाजा होगा। जब पहले हमारी आपसे मुलाकात हुई थी तो उस वक्त भी कुछ तस्कर आया था आपकी अम्मी का और आपके कॉलेज डेज का एंड एवरीथिंग अबाउट दैट। अपनी अम्मी के बारे में पहले आप बताइए, क्या कहना चाहेंगी? मेरी अम्मी, मैं जज्बाती हो जाऊंगी, मेरी अम्मी बड़ी बागोबहार शख्सियत की मालिक थी जी। उनके अंदर बला का एतमाद था और बड़े मजबूत उनके इकदार थे जी, और वही इकदार उन्होंने हमारे अंदर ट्रांसफर किया। सबसे पहली चीज जो हमारी अम्मी ने हमें सिखाई है, उन्होंने हमें कैरेक्टर की स्ट्रेंथ बताई है जी। मुझे याद है एक दफा अम्मी मेरे साथ कहीं जाने वाली थी, तो उन्होंने स्पंज की चप्पल पहनी हुई थी। ओके। तो मैंने कहा अम्मी आपने ये क्या पहना हुआ, लोग क्या कहेंगे? तो वो कहने लगी मुझे किसको दिखाना है, जिसको पता है कि खानदानी होना किसे कहते हैं वो मुझे पहचान सकता है, जिनको नहीं पता है उनको मेरी चप्पलों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमेशा से उनका वो रहा है। फिर एक बात जो उनकी बहुत अच्छी थी वो ये थी कि वो एक तो अपने आप पर एतमाद करती थी और वो अपने बच्चों पर पूरा भरोसा करती थी। उन्होंने कभी मुझ पर शक नहीं किया, उन्होंने कभी मेरी किसी बात पर शक नहीं किया, जिसकी वजह से मेरे अंदर बेपनाह कॉन्फिडेंस आया। और ये जो बेखौफी पैदाइश है, वैसे तो हर बच्चा बेखौफ होता है, लेकिन फिर वक्त के साथ साथ वो खौफ पैदा उसके अंदर कर दिए जाते हैं। तो मेरी अम्मी ने मेरे अंदर खौफ नहीं पैदा होने दिया किसी किस्म का। मैंने अपनी सारी जिंदगी जो है वो बेखौफी में गुजारी है। दूसरी बात ये है कि जब मेरे ऊपर एक ट्रेजेडी आई, जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ, तो मैं बड़े रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, जैसे कि हर जवान औरत पहनेगी। तो जब उनको दफना के सब लोग आके बैठे, एकदम से मेरे कुछ कपड़े लटके हुए थे, मुझे निगाह पड़ी तो मैंने उन कपड़ों को देख के रोना शुरू कर दिया कि अम्मी ये तो अब मैं पहन ही नहीं सकूंगी। तो अम्मी ने कहा क्यों नहीं पहनोगी, तुम सारे रंग पहनोगी, हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं, कोई तुम्हें मेरी आंख से तो देखे, मैं बताऊंगी उनको। ये वो एतमाद था जी, और ये वो भरोसा था हाँ। जिसके बिना तो हमने अपनी जिंदगी गुजारी।
इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड प्लीज मुझे कोई यहाँ से टिश्यू पकड़ा दीजिए सो दैट मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर सकूँ. लेकिन आज जैसे आपको देखा है, बस हम लोग जब टेलीविजन पे कभी देख रहे होते हैं, कुछ बात कर रहे होते हैं या लोगों की स्पीच देख रहे होते हैं, उनकी डिबेट देख रहे होते हैं, न जाने कितनी चीजें हैं, लेकिन हम उनका ये पहलू जिंदगी का कहीं माइनस कर देते हैं. मैं अपने बच्चों में जो भी मुझे मिला है वो अपनी माँ की मदद के बगैर मैं नहीं हासिल कर सकती थी. जब वो दुनिया से जा रही थी जी, तो मैं उनसे यही कह रही थी, अम्मी बच्चों की शादियां कौन करेगा, ये किस तरह मैं सब काम करूंगी. तो कहने लगी, बस इतना मैंने कर लिया है और जो मैंने तुम्हें सिखाई थी बातें उसी पर चलते हुए इन बच्चों की शादियां भी करना है. और जो मैंने तुम्हें सिखाई थी बातें उसी पर चलते हुए इन बच्चों की शादियां भी करना. और वाकई ये बात दुरुस्त है कि सारी उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी करके, और खैर अभी भी हम ये उम्मीद नहीं करते थे ना किसी भी तरह, ये लगता ही नहीं था बिल्कुल. हाँ वाकई. अच्छा मैं बनता ही नहीं. मुझे एक बात बताइए रजी साहब, आप कंटिन्यूसली हॉस्पिटल में थे, आपकी उस वक्त आईसीयू वगैरह में भी मुलाकात हुई? मैं बड़ा उस मामले में जो है ना, मैं थोड़ा सा कमजोर आदमी हूँ कि मैं नहीं देख सकता अपने प्यारों को, लेकिन मैंने देखा, लेकिन मैं उससे पहले जरूर देखा था. लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोग उनको उस तरह याद रखें जिस तरह वो हंसती हुई आती नहीं. मैं आपको एक बात और बताऊं कि टीवी पे बहुत लोग आते हैं, खवातीन की खासतौर पर जिक्र कर रहा हूँ मैं, खवातीन बहुत आती हैं टेलीविजन के ऊपर, लेकिन वजह कता और कल्चर के साथ आना मैंने बहुत कम देखा है. अभी गुफ्तगू आपने सुनी, गुफ्तगू है मतलब जुबान गुफ्तगू, उसमें अदब, उसमें कल्चर का इजहार हो रहा है, उसमें वालदा से मुहतरमा से इस तरह प्यार का इजहार कर रही है, जो वजह करता फौजी साहबा का होता था प्रोग्राम. हालांकि मैंने कहा कि गुड सेंस ऑफ ह्यूमर के साथ आती थी वो, ऐसा नहीं कि बैठी है हंसी मजाक भी और हल्के जुमलों में अपनी पूरी बात कर जाना. ये तमाम इंटेलिजेंट ऐसा नहीं, क्योंकि गुफ्तगू आप कभी भी कोई गुफ्तगू निकालें विदाउट रेफरेंस कोई गुफ्तगू नहीं होती थी, या तो हिस्टोरिक रेफरेंस देती थी या पॉलिटिकल देती थी या कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंसेस होते थे. और बड़े बड़े याद है कितने मुश्किल कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उसमें उनकी जब मैं गुफ्तगू में करता, यार ये कोई लॉयर हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं. लेकिन वो जो उनकी खास बात थी, मैं समझता हूँ जो बहुत जरूरी है मैं रिमेम्बर करना, वजह कदा जो उनकी और जो अंदाज गुफ्तगू था, मेरे ख्याल में मुनफरद करता था उनको खवातीन के अंदर के यार इस पोजिशन पे जाकर ये भी एक तरीका है, यही एक तरीका है कि किस तरह खवातीन को जो है वो प्रेजेंट करना चाहिए, कैसे गुफ्तगू करना चाहिए, कैसे एहसास देना क्या है, कल्चर हमारा क्या है उसको प्रेजेंट करना. मैं सुबह भी किसी प्रोग्राम में टेलीफोन पे था तो क्या याद है, मैंने कहा मैं समझता हूँ कि आज फौजिया बाजी फौजिया आप हमारे साथ होती तो आज भी मैं ये कह रही होती कि अगर कहीं से देख भी नहीं यार मुस्कुराओ, कम से कम चेहरे पे मुस्कुराओ. मैंने सारी जिंदगी मुस्कुराया तो मेरे जाने के बाद अगर लोग उदास होंगे तो मैं तो उनका यही मैसेज ले रहा हूँ, मुस्कुराना मुश्किल काम है लेकिन मुस्कुराना मैं समझता हूँ उनका एक बहुत बड़ा ट्रेड था जिसकी वजह से वो याद रखी जाएंगी. बाकी बातें आप तो सारी जिंदगी. इतना मुबारक महीना है ये देखिए, जितने अगर हम तारीख की बात करें या महीने की बात करें और फिर उनकी डेथ की बात करें, फाइटर की जो बात करी इन्होंने, आप मुझे तो वो प्रोग्राम लाइव रिकॉर्ड करा के वहां से उठकर सीधा अस्पताल गई, मतलब उनके लिए तो ये ऐसा रूटीन का इशू था. और रूटीन, अच्छा, रूटीन के इशू के बारे में तो कहा ही जा रहा है कि ये रूटीन था मतलब, और गॉल ब्लैडर ऑपरेशन होना या उसके हवाले से कोई प्रॉब्लम होना उसका रिजल्ट या उसका कंक्लूजन आप ये हरगिज नहीं समझते. फिर बीच में और भी बातें हुई कि जी कोई मिस्टेक हो गई है, कोई और चीज हो गई है, इस तरह की कोई चीज है. गॉल ब्लैडर की सर्जरी के लिए गई थी वो जी, उसका रिमूवल था और उस दौरान उस सर्जरी के उनका लिवर थोड़ा सा स्क्रेप कर दिया डॉक्टर ने. अच्छा. उसके बाद उनकी इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुई और उसके बाद एंड शी वेंट इन फॉर अनदर सर्जरी, फिर वो कुछ लिवर पैक कर देते हैं वो किया. अच्छा, ये हमारी इंटरनल ब्लीडिंग रुकी नहीं और फिर शी वाज रिकवरिंग, मतलब वेंटिलेटर पे चली गई थी, देन शी वाज ऑफ द वेंटिलेटर, लेकिन उनको ब्रीदिंग में बहुत प्रॉब्लम होती थी, फिर उनको रेस्पिरेटर लगाया. लेकिन परसों रात शाम से उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जो इंफेक्शन था लिवर में अपेरेंटली वो ट्रेवल कर गया ब्रेन तक और ब्रीदिंग से उनको बहुत ज्यादा तकलीफ थी, ब्रीदिंग नहीं हो रही थी उनसे सही. एंड देन शी वाज परसों रात शी वाज अगेन ऑन वेंटिलेटर एंड देन डॉक्टर्स काइंड ऑफ लॉस्ट होप.
बिकॉज शी वॉज 100% ऑन वेंटिलेटर. लेकिन यहाँ पर फिर हेल्थ से कनेक्टेड लोग यानी साहबा तो एक ऐसी शख्सियत थी जिनको सब लोग जानते थे तो सब उनके बारे में फॉलो अप भी कर रहे थे और तमाम चीजें और हमारे सामने भी आ गया. लेकिन कितने ही लोगों के ये आए दिन के केसेस हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भी ये केसेस हैं, छोटे बच्चों के हवाले से भी ये केसेस हैं. ये क्या इसको भी तो कुछ सॉर्ट आउट करना चाहिए ना. अक्सर सुना है कि फलां डॉक्टर की गफलत से कोई बंदा इंतकाल कर गया. मैं देखा है ये तो एक फौजिया साहिबा के साथ एक ये सानिया हुआ तो ये चीज और फोर फ्रंट पे आई. लेकिन इसके ऊपर बड़ी सीरियसली हमें लेजिस्लेशन भी करनी पड़ेगी. एंड आई रिमेम्बर डॉक्टर सगीर साहब हैं हमारे सिंध के हेल्थ मिनिस्टर, वो इससे बड़ी सीरियसली उन्होंने बहुत अर्सा कबल भी ये बात की थी कि लेजिस्लेशन होनी चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट के डोमेन में नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल. बिल्कुल. और इतने पैसे देने के बाद आप जो कंफर्ट खरीदते हैं या जो अपनी सेहत का सौदा करते हैं कि जी इतना पैसा हम दे रहे हैं, बड़ा हॉस्पिटल है, नामी गामी सर्जन वहां पर मौजूद होंगे और उसके बाद भी चलिए जो चीज वैसे होनी होती है वो हो जाए, लेकिन जो आपकी गलती से हो वो थोड़ा डाइजेस्टेबल नहीं है ना. छोटा सा छोटी सी सर्जरी थी, नॉर्मल सर्जरी होती है और गॉल ब्लैडर बहुत से लोगों का रिमूव हुआ. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनकी फिर आगे कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती गई दैट इज अ कॉज ऑफ रियल कंसर्न. एंड आई होप के उनकी फैमिली ये डिसीजन ले के किसी ना किसी किस्म की कार्रवाई तो वो जरूर करे डॉक्टर के खिलाफ. आई डोंट नो डॉक्टर उनका कौन था, सर्जन कौन था. लेकिन पता है नुसरत एक चीज मैं आपको बताऊं कि जाने वाला चला गया. हाँ ये तो है, जाने वाला चला ये है. बिल्कुल शर्मिला. लेकिन कितना ही ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ होता है ना बशीर जान साहब, आप भी देखते होंगे हमारे यहाँ ये हेल्थ के इश्यूज या डॉक्टर के इश्यूज, इसीलिए लोग सोचते हैं कि हम मुल्क से बाहर चले जाएं, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं. लेकिन फिर वही बात आती है कि जो होने वाली चीज थी शायद इसी तरह से होनी थी. आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? ये तो मतलब अच्छी जगह थी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल था. छोटे लेवल पर ये काम बहुत ज्यादा हो रहा है यकीनन. इस तरफ जो है ना हमारे और भी मसले मसाइल है जिसमें ये भी एक बहुत बड़ा मसला है. लेकिन चूंकि वो वैसे आप लोग, मैं मेरे पूछने का मकसद एक ये भी था कि आप तीनों यहाँ पर मौजूद हैं जो मेजर पार्टीज हैं, मेजर लोग हैं, कभी आप लोग वैसे इस बारे में भी डिस्कशन करते हैं कि जी हेल्थ के ये इश्यूज हैं तो हम इस पे भी कुछ काम कर रहे हैं या एजुकेशन के ये इश्यूज हैं तो इस पे भी काम हो रहा है? कुछ डिफरेंट मैटर्स पे जब डिस्कशन होती होगी ऑफ द रिकॉर्ड भी, वैसे भी किसी लंच पे, कहीं डिनर पे या कहीं मीटिंग्स में कभी होती है इस तरह की डिस्कशन? ये तो एक बहुत बड़ी बात है जो आपने कही, इस पे तो होती ही है. हम तो अक्सर आपस में बैठ के आम चीजों पर भी बोलते कि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए. ये तमाम चीजें जो है इसके लिए जिन चीजों की जरूरत है, देखिए हम ये समझते हैं, सर आपने ये सवाल किया, हम ये समझते हैं कि हमारे सामने जो मसले मसाइल है इस मुल्क में, मिसाल के तौर पर गुर्बत है, एनर्जी क्राइसिस है, बदनवानी है, करप्शन है, जो भी चीजें हैं, इसको खत्म करने के लिए किसी कानून का बनाना और उस पर अमल दरामद करना. मतलब हमारे बाद लोगों का ये ख्याल होता है कि आज ये वाकया हुआ और रात को हम जाके बैठकर ये फैसला कर लेंगे और सुबह इस पर अमल दरामद हो जाएगा, तो ये काफी मुश्किल चीजें होती. बाद लोग सोचते हैं कि साल हो गया, दो साल हो गया, ऐसा नहीं है. हम आज दुनिया में जो तरक्कियाफ्ता ममालिक देख रहे हैं वो भी इस प्रोसेसों से गुजरे हैं, उन्होंने भी ये सख्तियां काटी है, ये तकलीफें झेली हैं. लेकिन इन तमाम चीजों की दुरुस्ती के लिए जो अमल होना चाहिए, हम समझते हैं कि इस वक्त हम शुरू कर चुके हैं या उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं. शर्त ये है कि बीच में आकर फिर कोई उसे इंटरप्ट ना करे, फिर वो सब कुछ खत्म ना कर दे और फिर हम शुरू से उसको जोड़ने के बजाय तोड़ने की तरफ चले जाएं. तो ये चीजें होती है और हम भी, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे भी भाई बहन हैं, हमारे भी बच्चे हैं. मैं देखो आपको एक बात बताऊं फौजिया साहिबा के बारे में कि उनमें ये जितनी खासियतें थी उसकी बुनियादी वजह ये थी कि वो एक रियल पॉलिटिकल वर्कर थी. और ये सियासत जो है ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में जिस बंदे का नाम के साथ सियासत जुड़ जाती है कि फलाना सियासतदान, तो लोगों के जहन में गलत सोचें दौड़ने लगती है कि ये ऐसा होगा, ये कब्जा वाला होगा, ये मार कुटाई होगा. ऐसा नहीं है. सियासत इस माशरे का इल्म है. हम समझते हैं कि अगर इंसान, किसी इंसान को एक मुकम्मल इंसान बनना है, तमाम लोगों की दिल जीतना है, तमाम लोगों के बिला इम्तियाज काम आना है, मतलब लोग अपने भाई की खिदमत करते हैं, उसकी मदद करते हैं, रिश्तेदार की करते हैं, गाँव वालों की करते हैं, लेकिन सियासतदान वो वाइज शख्स है जो बिला इम्तियाज हर किसी की खिदमत करना उसका फर्ज है, अगर नहीं करता तो वो बदनवानी है. तो मैं समझता हूँ
कि अच्छी सियासतदान की यही निशानियां हैं जो फौजिया वहाब साहिबा में थी। एक बात खास बताऊं कि आजकल ये रिवाज हो चुका है कि सियासत में जब इक्तदार होता है, जब मजे होते हैं तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जब बुराई आती है, जब जेलों के दिन आते हैं, जब किसी का मुजाहमत का वक्त आता है तो लोग भाग जाते हैं। फौजिया वहाब साहब की एक खासियत ये भी थी कि ये हर वक्त पर अपने पार्टी के साथ डटी रही और खातून होने के बावजूद भी इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए और इस मुल्क में आमरियत के खिलाफ आवाम के हुकूक के लिए वो हर वक्त बाकायदा कड़ी रही और इसीलिए हम उनको आज इन लफ्जों से याद कर रहे हैं। फौजिया वहाब साहिबा के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो बार बार हमें हैरान करती हैं इस तरह, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी निहायत ही वर्सेटाइल थी। एज पॉलिटिशियन आपने उनको देखा, जब उनके पर्सनल इंटरव्यूज हमारे फोरम से हुए तब आपने उनको जाना, उनको देखा, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में किस तरह से उनकी एंट्री हुई, या अपनी जिंदगी में वो क्या क्या करती थी, खाना पकाना उनको पसंद था या नहीं था। कड़ी चावल अलबत्ता उनको बहुत पसंद थे, क्योंकि जब भी वो फ्राइडे को यहाँ पर लैंड करती थी तो उनके बेटे ने बताया था कि उनके लिए यही एक मखसूस डिश जरूर बनाई जाती थी। मगर इस वक्त जो मैं उनके वर्सेटाइल होने की बात कर रही हूँ वो जुड़ी है उनकी एक्टिंग से, जो उन्होंने पीटीवी का एक प्ले किया था कोहर के नाम से, उसका हम आपको क्लिप दिखाते हैं, देन वी आर कमिंग बैक। अगले जन बज रहा है आज तो लगता है घंटान का मारता है। हेलो एवरीबॉडी, हेलो अंकल। अरे हाजी सुजल, तो जाते हो वेरी स्ट्रेट। अम्मी प्लीज आज छुट्टी नहीं। बिल्कुल नहीं, आप जल्दी से अपना नाश्ता खत्म करें, अब स्कूल का वक्त हो गया, स्कूल से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। मामा प्लीज छुट्टी करवा दे। ना ना भाई, ना ना, हमको आपकी मम्मी से ना बहुत डर लगता है, वो आप लोगों के साथ ना हमारे भी कान खींचेगी। आई एम सॉरी। हाँ भाई, बड़ी प्रैक्टिस है ना कान खींचने की, मुझे देखो खींच खींच के बकरी नाती बना दिया। और भाईजान को देखो कैसे डरे बैठे हैं, कहे जी तो इनका भी चाह रहा है कि छुट्टी मारे, मगर मजा आ रहा है जो मुंह से निकाले। अरे अपना मजे नमक लो। अच्छा, बाकी कुछ पर्सनालिटीज जो आप अभी कह रहे थे ना कि इनके बारे में सोच के मुस्कुराहट ही आती है, ये होता है कि कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती है जिनके बारे में आप सोचे तो आपको वो गम की कैफियत में भी आप मुस्कुरा देते हैं। कोई और ऐसे इंसिडेंट आपको उनके हवाले से याद है या कोई और ऐसी बात जो आप शेयर करना चाहें? बहुत सारी बातें, बड़ी मुलाकातों में उनका उनका अंदाज बेसिकली याद रह जाएगा। बाकी तो मैंने ऐसा कहा कि बहुत सारी उनकी शख्सियात के डांटना, उनका एक डांटने का एक अंदाज होता था और वो डांटने के अंदाज में अच्छे अच्छे बड़े बड़ों को डांटती है। अच्छा। हाँ, वो हमें तो उन्होंने कभी स्पेयर ही नहीं किया, प्रोग्राम के दौरान, प्रोग्राम के बाद कभी हो जाता था। हाँ। फोन भी आते थे और फोन पे भी डांटना, और डांटने डपटने के अंदाज में कहीं तहकीर का नहीं होता था कि मैं अपनाइये से डांट रही होती थी, और डांटने का भी एक अंदाज था जी, जिसमें समझा रही होती नहीं है बेटा ये नहीं रहता, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, और ये बात अच्छा जी ठीक है, मस्ती वाला अंदाज था उनका, और उसी तरह उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है। बस मैं क्या क्या कहें फौजी साहब के लिए, जितना कहा जाएगा कम है। मैं समझता हूँ कि बड़ा नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, और ये चंद शख्सियात जैसे मैंने कहा अक्रॉस द बोर्ड होती है, आप ANP पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, आप JUIF, आप किसी पार्टी के किसी भी रहनुमा का, पाकिस्तान में किसी भी फर्द से आप बात करेंगे तो फौज अब आप साहबा के लिए उसी इज्जतराम से बात करें जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बात करेंगे, जैसे मैं बात कर रहा हूँ हर आदमी। तो ये बहुत कम लोग होते हैं और हम वैसे ही बहुत अनफॉर्चुनेट है इस मामले के, हमारे पास ऐसे लोग ज्यादा नहीं है जो कि हर जगह एक्सेप्टेबल हो, हर जगह एक बॉन्डिंग का किरदार अदा कर सके, हर जगह नेटवर्क कर सके। ये बहुत कम लोगों में क्वालिटी होती है। ऐसा एक शख्स जो कि इस काम को बड़ी खुशसलूबी से अंजाम दे रहा था कि रबते का जरिया था, हर एक से हर कोई उससे बात कर सके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज की सियासत में, वरना जिस तरीके से हम इख्तलाफात में बहुत आगे तक चले जाते हैं और फिर बात नहीं करते। ऐसी शख्सियात जब मौजूद होती हैं तो उन इख्तलाफात की हाई पीक के दौर में भी ये शख्सियात जब अपना रोल अदा करती हैं तो वो फिर माहौल जो है वो बेहतर हो जाता है। तो ऐसी एक शख्सियत का चले जाना, और चले जाना भी बड़ा अनफॉर्चुनेट तरीके से है, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं है, आप सोच नहीं रहे कि कोई अल्लाह ना करे कोई ऐसा इशू नहीं था, ऐसी एज नहीं है, वरना तो इंसान सोचता है ना कि अरे सब हो गया, मामूली ऑपरेशन है यार, वो ऐसे घर से निकली होंगी, प्रोग्राम निकल, चलो यार ऑपरेशन भी कराते चले, यही तो उनकी फीलिंग थी जब वो प्रोग्राम छोड़ के गई, ऑपरेशन करा के बस घर जाना है। अनफॉर्चुनेट, सोचा भी नहीं था वाकई। अच्छा, ये जो हम अभी हेल्थ की बात कर रहे थे इस पे आप भी कुछ रोशनी डालना चाहेंगे, हेल्थ इश्यूज हमारे यहाँ? देखिए, हमारे यहाँ सब बेसिकली प्रॉब्लम ये रहा है कि ये इस गवर्नमेंट का नहीं है, प्रीवियस जितनी भी गवर्नमेंट रही है वो बेशक किसी की भी रही हूँ, किसी को नहीं किया जा रहा,
ہم نے بنیادی طور پر اس ملک کے ان مسائل کو ایڈریس ہی نہیں کیا جو کہ ایک عام آدمی سے متعلق ہیں یا ایک عام آدمی کی ضروریات سے متعلق ہیں. وہ تین ہی مسئلے ہوتے ہیں، تعلیم، صحت اور امن و امان. اگر آپ یہ تین چیزوں کے اندر انویسٹ کر رہے ہوں، ہمارے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں آپ، کیا پرسنٹیج ہم جی ڈی پی کا جو ہے وہ مختص کرتے ہیں، کیا ہم چاہتے ہیں. ہم جب بجٹ پیش کر رہے ہوتے ہیں، میں اس گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا، میں سب اپنے سمے سب پہ کریٹیسائز کر رہا ہوں. ہم جب یہ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے صحت پہ کیا مختص کرنا ہے، تو ہم اس وقت بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا پرائرٹی ہے اس چیز کی. جب ہم طے کر رہے ہوتے ہیں کہ تعلیم پہ ہمیں جی ڈی پی کا کتنا فیصد رکھنا ہے، تو اس وقت ہم طے کر رہے ہوتے ہیں، بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے، اور ہم نے جو بتایا کوئی اچھا نہیں بتایا. اور ہم عام مستقبل میں اگر ہم ان چیزوں کو درست کرنا چاہتے ہیں، تو ان ممالک سے جن ممالک کی ہم مثال دیتے ہیں صحت کی سہولیات کی یا تعلیم کی ترقی کی، تو ان ممالک کے اندر جو اسپینڈنگ کی جاتی ہے، جس طریقے سے اس کو پرسو کیا جاتا ہے، امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، ان کی مثال بننا ہوگا. ہمیں اپنے بجٹ کا بڑا حصہ جو ہے اس طرف ڈالنا ہوگا. پھر کمپیٹنٹ لوگ، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ جو لمیٹڈ ریسورسز ہیں بھی ہمارے پاس، ان کا بھی استعمال جو ہے وہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ آپ اسپتالوں میں، بعض اسپتالوں میں آپ جائیں تو دوائیوں کا اتنا مس یوز ہے. او پی ڈی کی جو پرچیاں بنتی ہیں جو اندر آتے ہیں لوگ، وہ اس کا اتنا زیادہ مس یوز ہے. ہم ایز اے نیشن، ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت ہے. جب تک ہم اس کو ایز اے ہول ایڈریس نہیں کریں گے، ہم اسپینڈنگ نہیں کریں گے، پھر اسپینڈنگ کو ہم انشور نہیں کریں گے کہ یوٹیلیز یا ریسورسز پراپر یوٹیلائز ہو رہی ہیں، اس وقت تک ہم اسی طرح کے حادثات واقعات ہوتے رہیں گے، محسوس ہوتا رہے گا. اور بلکہ ہم تو جیسے آپ نے خود بھی کہا کہ گورنمنٹس کی بھی جو آپ نے بات کی کسی بھی وقت کی، لیکن اس سے زیادہ ان لوگوں پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے جن کو اگر کچھ مل بھی رہا ہے، جو اس ہاسپٹل کی پرٹیکولر ہاسپٹل کی انتظامیہ ہے یا اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ آنیسٹلی کتنا اپنا کام ڈلیور کر رہے ہیں، اپنی سروسز کتنی آنیسٹلی ڈلیور کر رہے ہیں، یہ بھی تو امپورٹنٹ ہے. کیونکہ اکثر چیزیں مہیا کر بھی دی جاتی ہیں، لیکن وہاں کے لوگوں کا اپنا کیا اسٹانس ہے، وہ کتنا اپنے لوگوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ریسورسز کی اویلیبلٹی ہونا ایک الگ بات ہے، اس ریسورسز کا یوٹیلائزیشن، وہ بے شک ہیومن ریسورسز ہو یا مٹیریل ہو یا اکوپمنٹ ہو یا میڈیسن ہو، اگر ان کی اویلیبلٹی ہے بھی اور اگر اس کی یوٹیلیٹی نہیں ہے، اور اس کو کوئی ایسا کمپیٹنٹ ایڈمنسٹریٹر نہیں بیٹھا جو اس کو مینج کر رہا ہے. میں نے بعض ایسے، آپ یقین مانیں، اسی شہر میں، اسی صوبے میں بعض خیراتی اسپتال ایسے ہیں، آپ چلے جائیں وہاں علاج کو دیکھ کر آپ بولیں گے یورپ کے اسپتال میں. ایسا نہیں ہے کہ مینج نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے کہ اٹ از ڈوئبل، لوگ کر کے دکھا رہے ہیں. کمپیٹنٹ لوگ چاہیے نا، اور آنےسٹ لوگ. اور ایک تو ذمہ داری میں اپنی طرف سے عوام کی آواز آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں، خدا را پرائیویٹ اسکولز اور پرائیویٹ ہاسپٹلز پہ بھی نظر ثانی کیجیے، کیونکہ وہ آپ کو جب پرائیویٹ اسکول کے بارے میں سوچتے ہیں، پرائیویٹ ہاسپٹل کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ایک فائنینشیل پہاڑ آپ کو نظر آتا ہے، اور اس پہاڑ کے پیچھے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی سنہرا دروازہ ہے جس کے اندر سے آپ گھس جائیں گے اور پھر آپ محل میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ دو چیزیں جو ہیں جی، اس میں کچھ ذمہ داری حکومت کی ہماری بھی آتی ہے، کچھ مطلب عوام کی بھی ہے. جی، مثال کے طور پر مختصر خیبر پختونخوا میں ایسا ہوا، یہ پابندی لگا دی گئی ہے کہ جو سرب گورنمنٹ سرمنٹ ہوگا اس کا بچہ سرکاری اسکول میں پڑھے گا، نمبر ایک. دوسرا یہ کہ ٹاپ 10 جتنے بھی لڑکے ہوں گے میٹرک کے، ان کو 10,000 روپیہ مہینہ دیا جائے گا، اور جو ایف اے ایس سی کے ہوں گے ان کو 15,000 روپیہ مہینے دیا جائے گا، لیکن وہ صرف سرکاری اسکول کا، اس کا نہیں. دیکھیے، میں آپ کو ایک مختصر سی بات بتاتا ہوں کہ ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، مرنا ہم سب کو ہے، کہ جس کے رحلت کر جانے کے بعد، مر جانے کے بعد اس کے گھر میں نقصان ہوتا ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک گاؤں میں، ایک شہر میں، ایک خاندان میں نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن کچھ پرسنلٹی ایسی ہوتی ہے جس کے جانے سے پورے ملک کو نقصان پہنچتا ہے. ان میں مفاہمت کی صلاحیت ہوتی ہے، بات کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، بدترین مخالفت میں بھی مخالفین سے مل جل کر بات کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے لوگ گزرے، جس میں موجودہ دور میں فوج وہاب صاحبہ ان میں سے ایک تھی، کہ جو ہر حالت میں کسی سے بھی بات کرنے کی حیثیت رکھتی تھی، اور ان کی بات کو لوگ سنتے تھے. تو یہ خالی پیپل پارٹی کا نقصان یا ان کی فیملی کا نقصان نہیں ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام جمہوری پسند قوتوں کا، لبرل قوتوں کا نقصان ہے، اور اس کا ازالہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے پیپل پارٹی والے دوستوں پہ اور پھر ساتھ میں ہم پر آتی ہے، کہ ہم ان کی جو جگہ ہے، جو اسپیس آگے ہے، جو خلا آگئی ہے، اس کو پر کرے، اور مستقبل میں بھی اپنے پارٹیوں میں ایسے لوگ ہمارے آئیں جو ہمارے بیچ میں رابطے کا ذریعہ بنے. کوئی ون لائنر، کیونکہ پروگرام کا ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے. جی، ہی واز ریپریسیبل، اور بشیر جان صاحب اس طرح بتا رہے ہیں، لیکن ان کی، ہر انسان کی اپنی ایک جگہ ہوتی ہے، اور فوزی وہاب صاحبہ کی جو جگہ ہے
वो खला पार्टी में हमेशा रहेगा, वो खला हमारे दरमियान हमेशा रहेगा, क्योंकि कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जिनका दे आर अनरिप्लेसेबल, और शी वॉज वन ऑफ देम. शी वॉज अ गुड ह्यूमन बींग, शी वॉज अ गुड पॉलिटिशियन, एंड शी वॉज अ गुड मुस्लिम, शी वॉज अ गुड वाइफ, शी वॉज अ गुड डॉटर, एंड शी वॉज अ ग्रेट ह्यूमन बींग. रज़ा साहब, एनीथिंग? सरकार में खत्म ही कर रहे हैं तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन. बहुत शुक्रिया आप सबने तशरीफ आवरी का, क्योंकि आज बड़ा सेंसिटिव डे है सबके लिए, और जाहिर है सभी की फीलिंग्स और एक्सप्रेशंस और क्या मतलब कोई अल्फाज नहीं मिलते उसके लिए. बट थैंक यू वंस अगेन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया. अल्लाह करे, अब ये बिल्कुल जब हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो उनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन उनकी फैमिली के लिए हमारे दिल से बड़ी दुआएं हैं, क्योंकि वाकई जब माँ बाप की बात होती है, चाहे वो माँ पॉलिटिशियन हो ना हो, चाहे वो एक हाउस वाइफ हो, चाहे वो कुछ भी करती हो, लेकिन माँ का कोई नेमुल बदल नहीं है. तो हमारी दुआएं उनके घर वालों के साथ, उनके बच्चों के साथ. अल्लाह आप सबको हिम्मत दे और अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए. और ये हंसी ये जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इन्हीं यादों में इन्हें याद रखिए, जो इनके पॉजिटिव हैं उनको सोचने की और उनको समझने की कोशिश कीजिए, इनके लिए दुआ कीजिए, अपना ख्याल रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज.